जो सूरत हाल है सियासी महाराष्ट्र की और पूरे मुल्क की, उसको आप किस नजर से देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि पूरे मुल्क में फिरका परस्ती हावी हो चुकी है। देखिए, हालत ये कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें 90 करोड़ पूरे वोटर देश में है। 90 करोड़ में 60 करोड़ लोगों ने वोटिंग किया, 60 करोड़ में 22 करोड़ वोट जो है बीजेपी को मिला और तकरीबन 37-38 करोड़ वोट मिला अपोजिशन को। लेकिन बीजेपी के साथ जो लोग थे वो एक साथ हैं और अपोजिशन के लोग अलग अलग डिफरेंट में बटे हुए हैं, जिसका फायदा बीजेपी को अच्छी तरह से मिला है। इस मुल्क में स्टेट की पार्टीज तो हैं, वहां भी अच्छी तरह से अलायंस नहीं है किसी का हुआ, और कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी है जो बीजेपी के मुकाबले में इस मुल्क में बड़ी पार्टी वही एक है। लेकिन कांग्रेस का की लीडरशिप या कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर मायूसी, थकान, अब जो उसको कह लें आप, कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से बीजेपी इतनी मजबूत हुई है। अभी कांग्रेस आज क्या लगता है मुझे कि कुछ लीडरशिप नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में अध्यक्ष कौन है, अभी बनाए गए हैं, दिल्ली में अध्यक्ष हटने के बाद फिर वापस श्रीमती सोनिया गांधी जी को टेम्परेरी बनाया गया है, तो इन चीजों का फायदा बीजेपी को बहुत मिल रहा है। दूसरी चीज, इस मुल्क के जो अक्सरियत के लोग हैं वो इस बात को उनको महसूस है कि भाई ये सरकार जो है इकोनॉमिक तौर पर बिल्कुल फेल हो चुकी है, बैंक जो है बैंक करप्ट हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। उसके बाद सिर्फ उनको एक ही चीज की उम्मीद है कि हिंदुत्व लाएंगे, ये हिंदुत्व हावी हो जाएगा और ये मुल्क जो है हिंदुत्व बन जाएगा। हालांकि उनकी ये कमजरफी या बेवकूफी है, कम ख्याली है, इस वजह से लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे मुल्क तबाह होगा, बर्बाद होगा। इनके पास पैसे बहुत है, जिसे अगर आपको एक चूहा मारना है तो आप डंडे से मार देंगे, इनको चूहा मारने के तोप से मार रहे हैं, एटम बम चला रहे हैं। तो जो पैसों की जो रेल पेल है उसकी वजह से, और सत्ता के लालची लोग, जो लोग आज तक बीजेपी की मुखालफत कर रहे थे वो भी जाकर दरवे चाट रहे हैं। उनके पास पार्लियामेंट में बिल पास नहीं हो सकती, लेकिन इन लोगों ने इतनी अच्छी सेटिंग किया, या तो हिंदुत्व के नाम पर उनके जज्बात भड़काए होंगे या तो उन्हें पैसे और सत्ता की लालच दी, तो बहुत सारे लोग एब्सेंट हो जाते हैं, रिजाइन कर दे रहे हैं और इनकी बिल पास हो रही है। तो एक इनका चमत्कार तो चल रहा है देश में, और इसमें ज्यादातर पैसे की रेल पेल की वजह से हो रहा है। असीम भाई, ये तो था पूरे मुल्क की सूरत हाल। अब महाराष्ट्र की जो सूरत हाल है, आने वाला इलेक्शन सर पर है अभी विधानसभा का, इसमें जो है समाजवादी की क्या पोजीशन होगी, समाजवादी क्या रोल अदा कर सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी की एक सीट है महाराष्ट्र में। हम पिछली बार लड़े भी नहीं थे क्योंकि कांग्रेस से हमारी अलायंस की बात हुई थी और लास्ट डे अलायंस उन्होंने थोड़ा, तो हम लोगों ने ज्यादा फॉर्म भी नहीं दिए और जहां दिए तो हम तो हम जानते हैं हमारी हैसियत एक सीट की थी। अभी हम लोग देखते हैं, हम तो चाहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, सीटें देखे बढ़े या घटे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी, शिवसेना जैसी पार्टी जो इस मुल्क को बिल्कुल एक फिरका परस्ती के आग में ढकेल रही है, और इनके पास कुछ नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान ये सब करके, तो सारी सेकुलर पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए और वोट बंटवारे से, जिस तरह से पार्लियामेंट में हुआ इस तरह से वोट बंटवारे से बीजेपी को फायदा ना हो ये कोशिश होना चाहिए। पार्टी छोटी हो जा चलेगा, लेकिन देश का संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो महफूज रहना चाहिए, ये महाराष्ट्र में कोशिश होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस अभी भी मायूसी नजर आ रही है। जब तक कांग्रेस खड़ी होकर के, कांग्रेस एनसीपी एक साथ खड़ी हो और छोटी छोटी पार्टियां जो सेकुलर हैं जो थोड़े थोड़े वोट लेकर के वोट बांटती हैं, तो जो है सेकुलरिज्म बच सकता है महाराष्ट्र में। अब आप अपने औरंगाबाद की सीट ले लीजिए, आप औरंगाबाद में एमआईएम लड़ी यहां पर, अगर यहां पर जाधव नहीं लड़ते तो एम जीत सकती थी क्या? नहीं जीत सकती थी। तो ये देखिए, जानबूझ करके एक आदमी खड़ा किया गया, अच्छा है, और उसने तकरीबन 3 लाख वोट लिया तो एमआईएम चुन के आ गई। इसी तरह से कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग अगर हो जाएगी तो शायद कुछ सीटें सेकुलर आ सकती है, वरना मुश्किल होगा। असीम भाई, तो एमआईएम से समाजवादी का अलायंस हो सकता है महाराष्ट्र? नहीं, 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 नहीं। समाजवादी का अलायंस हो सकता है, क्योंकि एमआईएम तो अलायंस करेगी नहीं, एमआईएम का बड़ा अहंकार है और ये लोग जो है छोटी बातों को बड़ी बना लेते हैं। अब पार्लियामेंट में जो है बीजेपी लगता है कि जो है यही बोल रहे हैं, दूसरा कोई बोल नहीं रहा है। इतना अच्छा भाषण पिछले तीन तलाक के ऊपर शरद पवार साहब की बेटी सुप्रिया सुले जी ने किया था, बहुत अच्छा, बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स ने,
अच्छे भाषण किए, बहुत मुसलमानों ने भाषण अच्छे किए, परंतु एक दिखाया जा रहा है एक ही आदमी का। तो क्या है ना कि इनकी कोशिश यह है कि इनको खड़ा करके मुस्लिम वोट को तिया पांचा कर दो। मैं जहां खड़ा होगा वहां एमएम खड़ी, वहां एमएम खड़ी होगी, वहां और भी मुस्लिम खड़े कर देंगे, तो हम ना हम जीतेंगे ना वो जीतेंगे, जीतेगी बीजेपी। तो यही तो हुआ है पिछली बार ना, आप अगर उसको देखेंगे तो एमआईएम और जो प्रकाश अम्बेडकर जी का वंचित अलायंस हुआ, बहुत वोट मिला लेकिन सीट कहां जीती, सीट खाली एक जगह कहां जीती, जहां बीजेपी का एक उम्मीदवार, बीजेपी के जो वो है अध्यक्ष महाराष्ट्र के, उनके रिश्तेदार उम्मीदवार मजबूती से खड़े हो गए और अच्छा वोट ले लिया उन्होंने। अब इस तरह के कहीं सीनरियो आएगा तो जो है कांग्रेस या एमआईएम जीत सकती है, नहीं तो क्या होगा, ये लोग बहुत वोट काट देंगे और उसका फायदा बीजेपी को होगा अंदर अंदर। अब क्या बताऊं क्या चल रहा है, तो साफ ही बोल दीजिए ना क्या अंदर अंदर चल रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है जब बात सुनने को तैयार नहीं। हम देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अलायंस हो जाए और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि प्रकाश अम्बेडकर जी से हो जाए, लेकिन प्रकाश अम्बेडकर जी का बहुत शरायत है कि हम क्या अलायंस करें, हमसे आप अलायंस करो, हम 40 सीट आपको दे देंगे। कितने एमएलए उनके, शायद एक एमएलए या नहीं है, पता नहीं एमएलए है कि नहीं है, एमपी कितने, एक भी एमपी नहीं है। तो ऐसी चीजें करके वोटों को बंटवा करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात है। ये जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं इन चीजों को, वो अच्छी तरह समझते होंगे, आप भी समझते होंगे। तो फिरका परस्ती जो है तो इससे बढ़ रही है, आपका कहना यह है? नहीं, एमआईएम और वंचित आघाड़ी से नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए इन वोटों के बंटवारे से जो लोग भी अलग लड़ेंगे, अगर मैं अभी सारी सीटों पर अलग लड़ूंगा तो भी उससे सिकुलर वोटों का नुकसान होगा। अबू आसिम आजमी के सामने तो एमआईएम ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन वो अबू आसिम आजमी को नहीं हरा सके थे शिवाजी नगर से। हर जगह तो इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं है ना, हम लोगों ने बड़ी मेहनत किया था तो लोगों की मोहब्बत है, लोगों को लगा कि भाई अबू आसिम यहां काम कर रहे हैं तो मिल गया। लेकिन अब वोट बैंक भी देखना चाहिए, कितना वोट बैंक किस जगह पे है, कितने वोट कटने से, अब आगे उनको जितना तीन चार हजार कुछ वोट मिला था उन लोगों को वहां पे मेरी जगह पे, अगर वही 4-5 हजार वोट से मैं हार भी सकता था और अभी मेरी जगह पर लड़ाएंगे लोग इलेक्शन। देखिए मैं कोई बड़ी बात तो कभी करता नहीं हूं, लेकिन ये बात पक्की है कि मैं जहां से लड़ता हूं इलेक्शन, अगर मुझे 100 वोट मिलेगा तो कांग्रेस हो या एमआईएम हो या कोई हो, उनको 90 ही मिलेगा, 110 नहीं मिलेगा, ये पक्का है। लेकिन 90 और 80 और 70 लेकर के मुझे हरा सकते हैं, वहां पे फिरकापरस्त पार्टी बीजेपी शिवसेना को जिता सकते हैं। लेकिन मेरा ये आज के सिनारियों से मैं पूरी इस तरह से बिल्कुल मुतमईन हूं कि वहां जीत होगी तो समाजवादी पार्टी की होगी या शिवसेना बीजेपी की होगी। असम भाई, वंचित और एमआईएम की जो आपने बात की है, वो बॉम्बे में तो कहीं पर उनका जोर नजर नहीं आता, जैसे इसके पहले भी जो है लोकसभा में भी कोई बहुत ज्यादा असर तो डाल नहीं पाए ना। नहीं, मगर देखिए डाल नहीं पाए, लेकिन आप समझते हैं ना कि 100 किलो दूध को एक कतरा लेम्बू फाड़ सकता है, तो जीत तो 2-4, 10-20 वोट से भी हो सकती है, नहीं हो सकती। हम लड़े थे इसके पहले एक बार पार्लियामेंट, हम लड़ाए थे अपने उम्मीदवार को और हम लोग बॉम्बे में 165 वोटों से हार गए थे, सिर्फ 165, और वहां पे एक उम्मीदवार खड़ा हो गया था जिसने 500 वोट ले लिया था। तो ऐसा होता है, हमें इस देश के फ्यूचर को बचाने के लिए, इस देश में सिविलिज्म को जिंदा रखने के लिए, गांधी जी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों को अपनी पार्टी छोटी करना पड़े चलेगा, लेकिन हम सेक्युलर वोटों को इकट्ठा करके इन फिरकापरस्तों को किसी तरह से हम लोग इनको रोकें। अब आप देख लीजिए कि जब 60 लाख वोट पड़ता है तो 60 लाख में सिर्फ 22 लाख वोट 23 लाख वोट बीजेपी को पड़ता है पूरे देश में, और बीजेपी की हालत है। तो हर शख्स को कोशिश करना चाहिए, और इस देश का हिंदू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हिंदू इस देश का है, वो बिल्कुल कमजोर नहीं है। अगर वो कमजोर होता ना तो 60 लाख वोट में से 50 लाख वोट मिल जाता, करोड़ 50 करोड़ वोट मिल जाता उनको, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। इस देश का हिंदू बहुत अच्छा है, वो सबके साथ रहना चाहता है। थोड़े लोग हैं, मुट्ठी भर के लोग, कहते ना कि एक तालाब को मछली गंदा करती है, एक 100 किलो दूध को 2 कतरा लेबू फाड़ सकता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं। हम सब हिंदू और मुसलमानों को मिलकर के इस देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचा करके हर शख्स को इस मुल्क में अपने धर्म पर चलते हुए इज्जत आबरू से रहने का हक मिले, ये कोशिश होना चाहिए, और बीजेपी की सरकार में ये नहीं हो सकता। असीम भाई, ये जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जैसे ही हार का मुंह देखना पड़ा उन्हें शोलापुर अकोला से, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान उलमा और मौलवियों के चक्कर में थे और उन्होंने जो है वोट नहीं किया वंचित को, इस तरीके के बयान आए तो उलमा इकराम भी नाराज हुए।
तो आपका आपका क्या कहना है इस तरह? ये इस तरह बेहूदी बातें करने का किसी को हक नहीं है। आप वोट हमारा देना हक है। हम काम करेंगे, हम अपने कैरेक्टर अच्छा दिखाएंगे तो हमें वोट मिलेगा। हम जबरदस्ती किसी को गाली दे करके किसी को बुरा भला के वोट नहीं दे सकते। आप कैरेक्टर दिखाइए, आपको लगेगा लोगों को लगेगा कि आप अच्छे हैं तो आपको वोट मिलेगा, और नहीं देंगे तो आप ये सब बोलेंगे। ये सब बोलने का बिल्कुल मैं निंदा करता हूँ। कोई पैगाम हमारे जरिए से? नहीं, देखिए सबसे पहले ये पैगाम दूंगा मुसलमानों को, देखिए गणपति का त्यौहार आ रहा है और इस मुल्क का हिंदू बहुत अच्छा है, उसको आज मुसलमानों के बारे में 24 घंटे गलत एक मैसेज दिया जा रहा है कि मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान बादशाहों ने इस मुल्क में मंदिरें तोड़ी, मुसलमान हिंदू लड़कियों से जबरदस्ती उनको फंसा के शादी करता है, धर्म परिवर्तन करता है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें, और ये बिल्कुल झूठ है। हम मुसलमान, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, हमें सिखाया गया कि पड़ोसी तकलीफ में रहेगा तो तुम्हारी नमाज भी बेकार है। हम गणपति आ रही है, चाहे हमसे हिंदू कितना भी खफा हो, हम जाए उसके पास, उसको एक फूल दे दें, भाई तुमको गणपति की मुबारकबाद। होली दिवाली आए, हम उसके पास जाएं, उसकी खुशी में शामिल होकर के। हम ये नहीं कह रहे गणपति में जाकर के आप जो है उसका बाजा बजाइए और गणपति की पूजा कीजिए, नहीं, आप अपने धर्म पर, अपने मजहब पर रहते हुए, दूसरे के मजहब की इज्जत करते हुए उसके साथ अपना एक अच्छा कैरेक्टर दिखाइए, ताकि उसे लगे कि ये मेरा पड़ोसी, ये मुसलमान बहुत अच्छा है, ये किसी की मुखालफत नहीं करता। तो मुझे लगता है कि जो बिगड़ा हुआ आदमी है ना, वो भी बन सकता है। और चूंकि आज नई जनरेशन को मुसलमानों के बारे में जो गलत मैसेज दिया जा रहा है उसकी काट यही है। ये आप अखबार वाले नहीं लिखेंगे, ये प्रेस वाले नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे जो है ना इनके मालिकान जो अखबार के हैं, जो बड़े बड़े टेलीविजन के चैनल के मालिकान हैं, ये सब के सब मोदी के साथ खड़े हो गए हैं। आज पैसे के लालची हैं, दुम हिला रहे हैं। तो ये हम लोग करना पड़ेगा इंडिविजुअल, हमें अपना कैरेक्टर दिखा करके, ताकि उनको लगे कि मुसलमान एक ऐसा है जो इस मुल्क से प्यार करता है, मुसलमान इस मुल्क में रहने वाले हर मजहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। तो ये हमें कैरेक्टर अपना दिखाने की कोशिश है, ये मेरा मैसेज है।